कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर हमला करते रहते हैं। वो अक्सर चीन को लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। राहुल का दावा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधा है। अगर आप पूछें कि उनमें आत्मविश्वास क्यों नहीं, अगर वो ये लोगों को क्यों गुमराह करते, चीन के बारे में गलत खबर क्यों फैलाते, इसका मैं कैसे जवाब दूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं साफ कहूं तो वो भी राजनीतिक है कि वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं। उनको पता है कि वो सच है, उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इम्प्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँ, मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं कुछ। तो मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है आत्मविश्वास की कमी, हो सकता है, हो सकता है कमी कुछ और भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं चीन ने उस पर 1962 में कब्जा किया था, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि मानो बात कल या परसों की ही हो। एस जयशंकर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही ये कहा कि वो राजनीतिज्ञ हैं और अपने कमजोर पहलू नहीं बताएंगे। राहुल पर कटाक्ष करते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर मेरी सोच में कमी है तो मैं अपनी फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा, मैं चीनी एम्बेसडर को बुलाकर अपनी खबर के लिए नहीं पूछता। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत के सबसे बड़े डिप्लोमेट श्री कृष्ण और हनुमान थे। भगवान हनुमान तो मिशन से भी आगे बढ़ गए थे, मल्टीपर्पज डिप्लोमेट थे। स्ट्रेटजिक पेशेंस का बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण थे। महाभारत की कहानी रूल्स का उल्लंघन करने वालों की कहानी है। पांडवों की रेपुटेशन कौरवों से अच्छी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख में भारत और चीन सेनाओं के बीच तनातनी पर कहा कि कभी कभी वो खबरें फैलाते हैं कि वो जानते हैं कि ये गलत है। वो इसे ऐसे पेश करते हैं जैसे कि ये अभी हुआ है, जबकि ये वास्तव में 1962 में हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। एंटी मैरीटाइम पायरेसी एक्ट पर चर्चा के दौरान हुई तीखी नोकझोंक के दौरान एस जयशंकर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला था। विदेश मंत्री ने कहा था कि हमें राजनीतिक आलोचनाओं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने जवानों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारे जवान यांगस्ते में 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात होकर बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल शोभा नहीं देता, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। VideoDesk, AmarJala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।